वेलकम टू माय चैनल अविका डेकोरेटिव होम। तो ये देखिए मेरे पास ओल्ड साड़ी है, तो आज हम इसे लहंगा बनाएंगे। तो ये देखिए आंचल का पूरा भरा हुआ पार्ट है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे नीचे की साइड डिज़ाइनिंग है, ऊपर की साइड प्लेन है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कि उसके साथ अब देखिए यहाँ पे जितना है कि नीचे हमारा भरा हुआ पार्ट है उतना हम अलग कर देंगे, और इधर से जो देखेंगे बैक साइड जो हमारा आता है राउंडिंग में वो प्लेन है, तो उसे हम अलग कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी, और मैंने यहाँ पे नीचे का लेस नहीं निकाला है, वो उसी में लगा हुआ है, बस हम इसकी लेंथ कट करेंगे। अब इसके बाद मैं इसकी लेंथ नापूँगी, तो लेंथ मैंने यहाँ पे 32 रखा है लगभग, और क्योंकि आधा इंच जो है कि हमारा जो है फोल्डिंग में चला जाएगा, और फिर इसके बाद हमें जब स्टिच करेंगे तो हमारे पास 31 इंच का रहेगा, और फिर 2 इंच लगभग 2.5 इंच हमारी बेल्ट हो जाएगी, तो हमारे पास ये 33 इंच का या 33.5 इंच का लहंगा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसे कट कर दूँगी। लहंगे की जो हम लेंथ रखेंगे अपने अस्तर से 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है साड़ी का 2 फोल्ड कर लिया था, तो जिसे फोल्ड कर लिया तो इसे आसानी से एक साथ कट जाएगा। साड़ी में हमको कली बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी हल्की होती है कि इसमें फ्रिल बना के आराम से आप लहंगा तैयार कर सकते हैं। इसमें हम जो है कि यहाँ पर कच्ची सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई करूँगी, जो बड़े मतलब बड़े बड़े टाके देते हैं वो कच्ची सिलाई होती है। तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़े ऊपर 1/2 इंच लगभग छोड़कर मैं वहाँ पे आप जो है कि कच्ची सिलाई कर देंगे, तो ये देखिए जिससे कि फ्रिल बनता हुआ तैयार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पूरे पर मैंने यहाँ कर लिया है, इसमें एक धागे के सिरे को पकड़ेंगे और इसको यूँ तर खींचते जाएंगे, और हमारी फ्रिल पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रिल तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम जो इसकी पेटीकोट है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके बेल्ट को निकाल दूँगी, तो कट कर दूँगी, क्योंकि 31 मेरा हम लोगों का पेटीकोट तो 34 वगैरह लगभग रहता है या 35 वगैरह रहता है। तो अब यहाँ पे मैं जो ये फ्रिल नीचे बना हुआ इसको निकाल दूँगी, और ऊपर का जो बेल्ट है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक सिरे को पकड़ के काटूँगी, दोनों को एक साथ नहीं काटूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें जो है कि नेट है मतलब सिमरी टाइप में है और स्ट्रेचबल है साड़ी, और फिर जो सॉटन का पेटीकोट होता है उसके साथ बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का मैं लिंक नीचे दे दूंगी, आप वहां जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां देखिए बेल्ट कट हो गया, अब इसका हम फ्रिल को भी निकाल देंगे, आप चाहो तो कट कर सकते हो। और यहां पे मैं इसकी सिलाई खोलूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़ा बहुत भी छोटा हो, तो क्योंकि फ़ोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये नीचे का जो है हम फोल्ड कर देंगे, तो और यहाँ पर मैं ओपन करूँगी ऊपर का जहाँ ओपन है उस एरिया से, और लगभग हम 10 इंच लगभग हम ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ साइड से हम इतना ओपन करेंगे, तो क्योंकि हमें लहंगे को अटैच करना होगा यहाँ तक, तो इतना हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, क्योंकि जिनको आता है वो तो बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं आता या बिगनर हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप ही बताया है। तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। Thank you.
तो मैंने यहाँ पे देखिए ओपन कर लिया है इसको। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारे जितनी कमर होगी, यानी कि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बच्चे की कमर के हिसाब से इस बेल्ट को नाप कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है कि थोड़ा थोड़ा सी दूरी पे फ्रिल दे देंगे, थोड़ी थोड़ी यानी चुन्नट करके इस तरह सिल देंगे। और एक ही साइड की साइड मतलब चुन्नट करेंगे, एक इधर करना चाहे राइट साइड तो राइट साइड, लेफ्ट तो लेफ्ट। तो अब मैं इस पर जो कि इस पर फ्रिल चुन्नट बना लूँगी थोड़े थोड़े दूरी पर, जो कि हमारी ये लगभग 30 या 28 के आसपास आ जाएगी। और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जो लोग बिगनर हैं, जो बिल्कुल नए हैं और जिनको बिल्कुल नहीं आती है, तो जितना हमें किनारे से सिलाई करनी है यानी कि 0.5 या आधा इंच, तो उतने पे हम एक लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद इसके बाद उसके ऊपर से आप सिलाई करेंगे तो एक बराबर आएगी। तो यहाँ पे मेरा कमर तैयार हो गया है, तो हमने इसको रेडी कर लिया कमर के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम नीचे को जो है कि आधा इंच लगभग इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा फोल्ड हो गया है और ये तैयार हो गया है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमें साड़ी को जो हमने तैयार किया था फ्रिल, अब इसको नाप के देखेंगे कि इसके बराबर है कि नहीं, और इसको हम साड़ी का जो फ्रिल है, इस जो हमारी लाइनिंग है उसके बराबर करेंगे और फिर इस तरह अटैच कर देंगे दोनों को पकड़ के। और थोड़ा सा आधा इंच लगभग हम किनारे पे साड़ी को छोड़ कर ही करेंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करके उसमें अटैच करेंगे, क्योंकि हमारे पेटीकोट तो फोल्ड है किनारे से थोड़ा सा, और जबकि साड़ी का नहीं है, तो इसकी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो चैन भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे चैन नहीं लगा रही हूँ, हुक लगा दूँगी। तो अब इसको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह इसको रखेंगे और फिर हम साड़ी का जो बनाए थे लहंगे को इस तरह रखेंगे और उसको आगे की साइड देखिए इस तरह आधा इंच रखेंगे, और इसके बाद हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो मैं यहाँ बोलूँगी जो विगनर हैं तो उनके लिए लाइन ज़रूर खींच लें, ड्रॉ कर लेंगे डॉट डॉट करके, और फिर इसके बाद सिलेंगे तो सिलाई बहुत सीधी ही आएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है कि लहंगा अटैच हो गया है। अब इसके बाद देखिए, अब इसको जो है कि हम फोल्ड करके यहाँ पे पहले हम जो लहंगा है उसको उल्टा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे पलट दिया है। अब इन दोनों को पकड़कर एक साथ, जितना हमने नीचे ओपन किया था, क्योंकि ऊपर तो लगभग 2-3 इंच ओपन ही रहेगा और फिर बाकी जितना एरिया बचता है और लहंगे को और हमारे जो लाइनिंग का है उसको एक साथ हम अटैच कर देंगे, तो पूरी सिलाई कर देंगे। जितना हमने ओपन किया था उतना ही अटैच करना है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा जो हमारा लाइनिंग है वो अलग हो जाएगा और लहंगे को हम अलग अटैच करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह पकड़ेंगे, लगभग 3-4 इंच पे हमने छोड़ दिया है, इसको इस तरह पकड़कर पूरा अटैच कर देंगे। जितना हमने ओपन किया था उतना पूरा लहंगे को लेके अटैच कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैं 3-4 या 2-3 ऐसे इंच बोलती हूँ कि छोड़ने के लिए, ये हमारी तो एक अंदाजा है कि हमें पता चल जाता है कि इतना ओपन रखना है या इतना छोड़ना है, इतना फोल्ड करना है। बट जो बिगनर हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि वो नाप कर ही छोड़े और नाप कर ही उसको जो है कि जहाँ तक सिलाई करनी है उतना है करे। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। तो देखिए जितना हमने ओपन किया था उतना मैंने अटैच कर दिया एक साथ।
अब इसके बाद जो है कि हम इसको लहंगे को अलग करेंगे और लाइनिंग को अलग करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ नीचे से हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे मैंने फॉल इसका नहीं निकाला है। अब इसको हम आधा इंच रख कर इसको सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम लाइनिंग के कपड़े को भी अटैच कर देंगे। लास्ट में हमारा लाइनिंग और जहाँ पे जो है कि लहंगा अटैच हुआ है, ज्वाइन हुआ एक साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर ले जाके वहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। जब आप इसे सिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है लाइनिंग उसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम साइड में इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, तो डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि पहले एक फोल्ड करके इस तरह हम जैसे किनारे पे फोल्ड करते हैं उस तरह फोल्ड करके इसको सिलाई कर देंगे। इसी तरह दूसरे साइड का भी फोल्ड करके हम इस तरह उसको भी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सुई को रोक कर और फिर इसको ड्रेस को इस तरह घुमा लिया और फिर ऊपर के साइड हमने किनारे पे इसको भी सिलाई कर दिया। तो अब ये देखिए हमारे पास फैब्रिक है जो हमारे साड़ी का बचा हुआ था, तो इसको हम अपने कमर के हिसाब से नाप लेंगे। अभी मैंने इसको चौड़ाई तो नहीं कट किया है, यहाँ पर मैं पहले कमर नाप रही हूँ। तो यहाँ पे हम कमर नाप लेंगे और उसके बाद जितना कपड़ा बचता है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने चौड़ाई इसकी कट नहीं की है, क्योंकि हमारे पास जितना हमारा मतलब लेस होगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है कि हम ये डबल फोल्ड में हैं, तो अब इसके बाद हम अपना जो है लेस लेंगे, वो भी अपने कमर के नाप का रहेगा। तो जितना हमारे कमर का नाप होगा उससे आधा आधा इंच दोनों साइड हम बढ़ा देंगे, यानी कि एक इंच बढ़ेगा। तो लेस को दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह, और फिर इसके बाद इसको अटैच करेंगे और किनारे से हम कपड़े को आधा इंच देखिए लगभग छोड़कर लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको जितना हमने लैस लगाया उतना फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो आधा इंच छोड़ा था उसको भी लैस के अंदर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे चौक से। ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इस लाइन के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे, तो इससे हमारे जो है बेल्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, एक साइज में अटैच हो जाएगा। इसके बाद जितना फैब्रिक हमने फोल्ड किया था उसको ओपन कर देंगे और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे एक साइज़ में, दोनों एक ही साइज़ में रखेंगे। तो इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे ओपन करके इसको अब कट कर देंगे।
तो हमारा ये बेल्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने बेल्ट के फैब्रिक को आधा इंच बड़ा रखा था और लेस को 1 इंच, क्योंकि हमें लेस को दोनों साइड से क्लोज करनी थी फोल्ड करके, और कपड़े को एक साइड से, क्योंकि एक साइड हमने फोल्ड किया है तो वो तो क्लोज ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह फोल्ड करके कपड़े को, और फिर इसके बाद जितनी हमने लाइनिंग खींची थी जहाँ पे ड्रॉ किया था उस से उसके ऊपर से अटैच कर देंगे, और फिर इसके बाद बाहर की साइड करेंगे हम फोल्ड करके, तो बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो देखिए इस तरह हमारा ये साड़ी से लहंगा तैयार हो गया है। तो आप इसे इसमें जो है कि आप इसे पार्टी वियर में भी पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए कैमरा है, कैमरे से फ़ोटो अलग हो जाता है, क्योंकि जब हम लेते हैं तो पता नहीं कभी डार्क आता है तो कभी लाइट आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।